हेलो दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग जानने का पूरा कोशिश करेंगे कि पीएफ का पैसा कितना आया है और कब आया है दोस्तों, और पीएफ का पैसा कितना महीने में कटता है। दोस्तों अगर आप लोग न्यू आए हैं इस वीडियो में, अगर इस चैनल में, तो दोस्तों आप लोग को भी अगर जाना है मारुति सुजुकी में तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत दिन से बना रहा हूँ दोस्तों, बहुत किसी को मैं लगा भी चुका हूँ, क्योंकि 450+ मतलब 450+ में लड़का को लगा चुका हूँ मारुति सुजुकी में इस चैनल के माध्यम से, जो कि मैं खुद अपना जो जानकारी है मैं सारा कुछ उन लोग को बता के, उन लोग का भी ज्वाइनिंग हो चुका है, TW हो, CW, MST हो, ठीक है दोस्तों, अप्रेंटिस हो, सब में उन लोग का हो चुका है। बहुत ऐसे भी लड़का अभी है जिसका भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी जाना चाहते हो मारुति सुजुकी में, 10 पास हो या 12 पास, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, या तो आप लोग अगर एज भी आप लोग का अगर 18 से 20 साल के एज में है, या तो 18 से 26 साल के एज में है, जो कि आप लोग MST में जा सकते हो, जो कि मारुति सुजुकी में ITI करने का मौका भी मिलता है, तो उसमें भी आप लोग जा सकते हो, या तो CW में जा सकते हो या TW में जा सकते हो दोस्तों, या तो अप्रेंटिस भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अप्रेंटिस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले थे पीएफ का पैसा के रिलेटेड। तो दोस्तों पीएफ का पैसा कितना आया था मेरा और कितना दिन के बाद आया है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा कि कितना आया है, और मेरा जो क्लियरेंस डेट है उस दिन को मैं वीडियो डाल दिया था। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल पर जाके देख लीजिएगा क्लियरेंस किस तरह से हुआ हम लोग का और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा था। तो दोस्तों सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम बताने का पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये वीडियो में पीएफ का पैसा ओनली फॉर बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों पीएफ का पैसा देखिए आप लोग कितना आया है और कितना दिन के बाद आया है। मेरा 30 दिन को क्लियरेंस हो गया था और पैसा मेरा कौन डेट को आया है पीएफ का पैसा और कितना आया है, जो कि पीएफ का पैसा आपको क्लेम करने का कोई जरूरत नहीं है, जो कि आप लोग जाते हो तो ऑनलाइन करना पड़ता है, तो उसमें आप लोग नहीं भी जाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके अकाउंट में, कहीं भी क्लेम करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना जो बैंक अकाउंट है ये सब अपना जो कंपनी में है जो मांगा जाएगा उस टाइम भर देना है, आप लोग कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।